ओ बेटे, अभी 10 किलोमीटर की परिक्रमा करनी है। हम इधर आए बनारस की, मतलब बनारस से याद आ गई सारी, एक इंस्टा रील पे देखी थी मैंने ऐसी बोटें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये पार्ट 3 है उसका उसका मैंने एंड तो नहीं करा, अभी करूँगा घर जाके, मतलब अब निकल ही रहे। तो अभी घूमेंगे हम मंदिर एक बार और सारे राउंड मारेंगे उसके बाद, क्योंकि भाई भीड़ बहुत होती है तो दर्शन लेने एक राउंड और मार लेते हैं। भगवान थोड़ी ना नाराज जाएंगे हमसे कि हर दूसरे हर एक दिन छोड़ के आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं, पहले मंदिर में जा रहे हैं, राधा वल्लभ जहाँ उस दिन गए थे उसमें भीड़ बहुत थी। देखते हैं हमें क्या क्या होता है, मिलता है नहीं मिलता। बाकी पैरों की कंडीशन कल से आज कुछ ज़्यादा ख़राब है, मैं सोने को मिल गया था इस कारण से, और बाकी तो ठीक ही है सब, ऐसा कुछ है नहीं। रूम भी सही मिल गया था। हाँ भाई, नींद तो आई ही थी भाई, मैं फ़ोन चलाते चलाते सो गया था। मैंने एक पबजी का मैच खेला है, तो रास्ता बड़ा भूल रहा है यार। कल भी इसके चक्कर में भाई 3 राउंड मारे हमने यहाँ से, रास्ता भूल रहे थे। आज पैर और पंजे और क्या बोलते हैं घुटने सब दर्द हो रहे, अब लग रहा है बुढ़ापा नज़दीक है। हैं, जो मैंने वो तो करना है अभी। क्या परिक्रमा? ओ बेटे, अभी 10 किलोमीटर की परिक्रमा करनी है। मैं तो वैसे मुझे बिगाड़ उठाया 4 बजे, तो आराम से उठाता मुझे घूम फिर क्या के इसी टाइम पर तो टाइम होती है। तो गाइस, बाकी बिहारी मंदिर तो अभी बंद है, वो खुलेगा 8:30 बजे, तब तक हम कहीं और जाते हैं करेंगे क्या, राधा वल्लभ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं इस्कॉन जाएंगे, उसके बाद थोड़ा है, उसके बाद करेंगे परिक्रमा। तो यार पैरों की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है, एक तो नंगे पैर चला रहे हैं मेरे को, कहें इधर है इधर है, ये देखो गाय गाय को देखिए आँख खुल गई। मैं भी ऐसी हाथ के बॉडी को देखी था। चलो यार, अब आगे मिलाऊंगा तुम्हें कुछ। Amen.
दर्शन हमने कर लिए, मतलब यार भीड़ तो बहुत थी तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर मेरे को तो ढंग से हो गया, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी वाली। बाकी अब हम जा रहे हैं इस्कॉन, उसके बाद हम अपनी जो एक ये वो होती है परिक्रमा 10 किलोमीटर की वो करेंगे, उसके बाद फिर मथुरा जाएंगे, मथुरा से बस पकड़ेंगे और फिर घर को। तो इस्कॉन चलते हैं, पहले इस्कॉन का दिखाऊंगा तुम्हें। बाकी तो बढ़िया ही चल रहा है भाई लोग सब। तो भाई उसकी एंट्रिंग 9 बजे है और हम लोग जा रहे हैं अभी, क्या बोलते हैं, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, मैं भूल जाता हूँ यार, बहुत भूल रहा हूँ, क्या परिक्रमा। तो हम जा रहे हैं परिक्रमा करने, जो 10 किलोमीटर है वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि 9:30 तक भी मैं बोलूँ नहीं पड़ जाएगा तो हम यहाँ घूम लेंगे पूरा, क्योंकि 10:30 तक हमें बस पकड़ने जाना है किसी भी कीमत पर, तो उससे लेट होंगे तो फिर 11-12 बजे बचेंगे रात। कितना है अब हैं, 300 मीटर रखा था वहाँ निधिवन, मैं निधिवन भी देख लूँगा, इस टाइम बहुत देखा भाई मैंने कहाँ। तो भाई ऐसा लग रहा है मैं राजस्थान में जा रहा हूँ, वैसे ही राजस्थान में ही होती है भाई, ऐसा लग रहा भयंकर लैग वर्कआउट करा होगा तुम आगे, मेरी थाई मोटी होगी भाई। हाँ भाई दौड़ नहीं पा रहा हूँ यार, देखते हैं क्या है। हमारा तो हालत खराब हो गई है भाई, पप्पा मैं नहीं लग रहा भाई, ठंडा आ रहा, तुम देख सकते हो कोहरा है नीचे, थोड़ा बहुत धुंध है। तो है अंदर एंट्री, टॉप ऑफ द व्यू, मेरा हाथ मिली भाई दूर में चल गया यार। भाई जितना चढ़ना मुश्किल था मेरा उतरना भी उतना ही मुश्किल है यार, पैर सुजर गए यार मेरे, एड़ी पंजे सब सुजर होगा। तो ओवरऑल व्यू प्यारा है, काफ़ी मज़ेदार भैया है निधि मंदिर से जा रहे हैं, बहुत हो रही है भाई गजब वाला। तो भाई कंगे वंगे कुछ नहीं है, तो मेरे बाल ऐसे हैं ऊपर से टोपा पहन रखा था मैंने। हम इधर आए बनारस की, मतलब बनारस याद आ गई सॉरी, एक इंस्टा रील पे देखी थी मैंने, ऐसी बोटें प्यारी है जगह तो इधर, बस एक चीज़ से डिसअपॉइंट हुआ है कूड़ा, यमुना जी हैं यहाँ। एक कौवे भाई, अच्छा रोटी रोटी मिलती है यार, कभी इकट्ठा हो रही है फैमिली इनकी, तो धीरे धीरे शायद धुंध साफ हो रही है। तो भाई हालत कुछ ऐसी है, ठीक ठाक ही तो है, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, तो अभी निधिवन नहीं गए यार, अभी निधिवन है वो निधिवन रखा बस, उसके बाद ख़त्म हो जाता है निधिवन के पास, पूरा घूमते हुए जाएंगे। अच्छा ओवरऑल मतलब 5-5 किलोमीटर मिला के, मतलब ये 5-5 किलोमीटर 10, मतलब सारे मंदिर कवर हो जाएंगे तुम्हारे। अभी या तो तुम ये कर सकते हो कि हमने पहले एक ही मंदिर करा था, अब हम पूरा कर रहे हैं, या तो तुम पहले मतलब एक उसमें पूरी वो कर लो परिक्रमा, उसके बाद उसका एक एक जाके मंदिर घूम सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है भाई तुम्हारी चलने की कैपेसिटी कितनी है। बाकी मिलते हैं आगे भाई, ये क्लाउड इंडिया लग रहा है, देख कोरा ही कोरा। तो हमारे पीछे है यमुना नदी, अभी इतना कोरा है क्योंकि भाई नदी है ना, तो ऊपर से धूप भी निकल रही है।